नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम होली के लिए ठंडाई की रेसिपी लेकर आए हैं, तो इसे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। आज हम ठंडाई को पियेंगे नहीं, इसे हम खाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 चम्मच चावल को थोड़ी देर भिगोकर इस तरह से दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो साबुत चावल भी रख सकते हैं या 2 टुकड़ा या इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं। और देखिए, ड्राई फ्रूट्स में ये सबसे पहले हमें तरबूज के बीज लेने हैं, काजू और बादाम लिए हैं 15-15 20 पीस, और ये मैंने पोस्तू दाना लिया है, खसखस जिसे कहते हैं। इन सबको हमें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोना है, गर्म पानी में। अब मसालों में देखिए, थोड़ी सी सौंफ है, इलायची और काली मिर्चें, ये सब आपने टेस्ट से ले लें आप। और थोड़ी सी मैंने गुलाब की सूखी पत्तियाँ ली हैं, आप गीली पत्तियाँ भी ले सकते हैं। तो देखिए, इन सब का हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है और आपको इन्हें गर्म पानी में 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। तो देखिए, काजू बादाम है, तरबूज के बीज हैं, और ये ड्राई मसाले हैं, और ये खसखस, इन्हें अब सब डाल के पेस्ट बना लेंगे इसका अच्छे से। और ये देखिए, मैंने 1/2 लीटर दूध बॉईल करने रखा है, और जो चावल का जो हमने दरदरा पेस्ट बनाया था उसे इसमें डाल देंगे और एक बॉईल आने देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पेस्ट बना लिया है ड्राई फ्रूट्स का, इसमें गुलाब की पत्तियाँ भी डाली हैं। तो आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं जो हम दूध हमने बॉईल करने के लिए चढ़ाया है, या इस तरह से इसे थोड़े दूध में मिलाकर आप अच्छे से मिला लें और फिर इसे हम छान लेंगे। तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट डाल लें या छान कर आप इसे डाल सकते हैं। तो थोड़ा भी जो मोटा दाना है छानने से वो सब निकल जाएगा, पर टेस्ट उतना ही आएगा। तो इसे इस तरह से अच्छे से छान कर इस तरह वेस्ट आप निकाल लें, और इसे चाहें तो आप एक बार और पीस कर फिर से डाल सकते हैं छान कर। तो अब इसे हम बॉईल होने देंगे, और ये देखिए पिस्ता का पाउडर डाला है मैंने इसमें, और टेस्ट से आप चीनी डाल दें इसमें। अब इसे अच्छे से हम बॉईल होने देंगे और थोड़ा थिक होने तक कम से कम 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे। देखिए, अब ये बहुत थिक हो गया है और बहुत ही अच्छे फ्लेवर हो गए हैं। अब इसे हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे, पहले नॉर्मल टेम्परेचर और फिर फ्रिज में। उसके बाद इसे हम चिल्ड ही सर्व करेंगे, और थोड़ा ये और गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने पर। तो ये देखिए, इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी दिख रही है ये फिरनी ठंडाई वाली, तैयार हो गई है बनकर। तो आप होली पर इसे बनाइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।